नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा में 10 दिनों से लापता युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। किच्चा पुलिस ने दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर उनकी निशानदेही पर नाले से शव को बरामद कर लिया। लापता युवक विश्वजीत विगत 5 मई से लापता चल रहा था। युवक का शव बरामद होने के बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। विश्वजीत की हत्या किए जाने का पूरा मामला महिला से प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार किच्चा के सुभाष कॉलोनी निवासी विश्वजीत विगत 5 मई को अपने दो दोस्तों के साथ रोजगार के सिलसिले में मोटरसाइकिल से हल्द्वानी गया था। 2 दिन बाद विश्वजीत के दोनों दोस्त घर वापस लौट आए, लेकिन विश्वजीत का कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों द्वारा विश्वजीत की गुमशुदगी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। 8 मई को विश्वजीत की मोटरसाइकिल को यूपी के बरेली जिला अंतर्गत बहेड़ी पुलिस ने लावारिस हालत में बरामद कर लिया। बाइक बरामद होने के बाद पुलिस ने कई टीम लगाकर युवक की तलाश शुरू कर दी। परिजनों द्वारा विश्वजीत के दोस्तों पर हत्या की आशंका जताए जाने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। युवकों की निशानदेही पर पुलिस ने विश्वजीत के शव को किच्चा कोतवाली अंतर्गत ग्राम आजाद नगर स्थित एक नाले से बरामद कर लिया। आरोपियों ने विश्वजीत की हत्या के बाद शव को बड़े पत्थर को बांधकर नाले में डाल दिया था। विश्वजीत का शव बरामद होने के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। सैकड़ों लोगों ने हत्या आरोपियों के घर पर धावा बोल दिया। कोतवाली निरीक्षक धीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सूझबूझ का परिचय देते हुए परिजनों को शांत कराते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। कोतवाली पुलिस का कहना है कि हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जल्द ही हत्या के कारणों का खुलासा किया जाएगा। घटना सर ये हुआ, जो मेरा भाई दो लड़के के साथ गया हुआ था हल्द्वानी काम के सिलसिले में। वो दोनों घर आ गए हैं, भाई मेरा नहीं आया। 5 तारीख को, और फिर हमने तलाश करने की कोशिश करी तो गाड़ी सर मिली कटंगिरी और भुड़िया के बीच में, जो यूपी के पुलिस ने उठाई गाड़ी को। उनने गाड़ी बरामद करके 33 नंबर देख के पता लगाया कि कहाँ की गाड़ी है। फिर हमें ये बहेड़ी थाने में फोन करा चौकी वालों ने, फिर वहां से फोन गया उत्तरा किच्चा थाने में, वहां से फिर हीरा सरकार को फोन करा किसी ने, तब हीरा सरकार ने हमें बोला, तब जाके हमने गाड़ी बरामद करी। फिर यहाँ के आजाद नगर के जो चौकी इंचार्ज है, ये हमारे साथ जाके छानबीन करके उनका फोन के लोकेशन ढूंढ डाल के ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब बाकी हमें पता नहीं है। नहीं तो क्या निकला, मतलब बॉडी मिल गई आपके भाई की? हाँ, बॉडी मिल गई। नहीं तो क्या हुआ, क्या किसी ने मारा आदमी का, क्या हुआ? वो दोनों ने सर जान से उसको मार के पानी के अंदर गले में पत्थर डाल के और डुबो दिया गर्दन काट के। अच्छा, बॉडी मिल गई है? हाँ, बॉडी मिल गई। आप लोग क्या चाह रहे हो यहाँ सब लोग इकट्ठा हो, क्या चाह रहे हो? उन दोनों को और उसके घर वाले, उसके घर, एक मिनट, उसके घर वाले जो मारने के बाद उन लोगों को डर लगा, उनने अपने घर वालों से राय लिया। उसके घर वालों ने ये कहा इसको भारी पत्थर बांध के वहाँ पीछे डुबा दो। उन घर वालों को भी इनके साथ साथ बराबर की सजा होना चाहिए। हम पूरे कॉलोनी वाले यही चाहते हैं कि ये कार्रवाई हो और उनके घर वालों को शीघ्र जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, अन्यथा हम अपने पूरे कॉलोनी की गरीबों के काम हम लोग एक दूसरे का बंद करके और जाके सड़क पर बैठ जाएंगे। ऊपर से कॉलोनी लोग हमारे पास आएंगे, उसके बाद जब तक वो लोग नहीं उठेंगे हम लोग नहीं उठेंगे। और प्लान ये है कि आज शाम को नहीं तो सब हारे मारे थके हैं, कल सुबेरे हम लोग जाके थाने में बैठेंगे और जब तक उन लोगों का चेहरा नहीं देखेंगे पकड़ा हुआ, हम लोग थाने से नहीं उठेंगे। ये सबका यही वचन है। आपका कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने मारा है और जो लोग साजिश में शामिल रहे, वो गिरफ्तारी हो, वो लोग पकड़े गए हैं, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो। और जिस औरत को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है, एक औरत से 3 लड़कों का अफेयर था जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है, काम के नाम पे ले जाकर, और इसमें कानूनी कार्रवाई हो, उनको फांसी हो। साथ में जिन लोगों ने इनका साथ दिया है पत्थर बांध के डुबाने में, जिनने राह दिया है, उनको उससे भी बढ़ के सजा मिले। ये हम सब पब्लिक चाहते हैं, हम सब लोग यही चाहते हैं, यही चाहते हैं हम लोग। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो।